इस वीडियो में हम लोग इस तरह के संख्याओं के गुणा करने का 100 ट्रिक सीखने वाले हैं। जी हाँ, इस तरह के जब भी संख्या दी रहेगी ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए 11 × 11 है, इसमें 3 × 1 हैं तो यहाँ पर भी 3 × 1 हैं, यहाँ पर 4 × 1 हैं तो यहाँ पर भी 4 × 1 हैं, यहाँ पर 5 × 1 हैं तो यहाँ पर भी 5 × 1 हैं। कहने का मतलब कि इस तरह से एक वाली संख्याएँ रहती हैं और जिसमें दोनों तरफ बराबर संख्या हो और उसको आपस में गुणा कराना हो तो देखिए किस तरह से कराया जाता है। सबसे पहले इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पर 2 × 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम 1 × 2 लिखेंगे और इसके बाद 1 लिख देंगे, 121। इस तरह से हो गया इसका गुणा। यहाँ पर देखिए 3 × 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे और 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है घटते क्रम में, 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 2, उसके बाद 1। हो गया इसका आंसर इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 × 1 है ना, इसका गुणा कराना है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे और 4 से नीचे फिर घटते क्रम में, तो 4 के बाद क्या आएगा नीचे में, इस तरह से 4 3 2 1 इस तरह से, तो नीचे में क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और हो गया इसका राइट आंसर। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 5 × 1 हैं और यहाँ पर भी 5 × 1 हैं और इसको हमें आपस में गुणा कराना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 और फिर हम इससे उल्टा गिनती लिखेंगे, तो 5 के बाद उल्टा में क्या आएगा, 4 3 2 1 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से इस प्रकार की संख्याओं का गुणा सबसे आसानी से किया जाता है।